नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट परीक्षा 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये कला एवं संस्कृति का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के दुर्ग हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के महल एवं स्मारक है दोस्तों, यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो सिलेबस जारी किया है दोस्तों। यहाँ पर उसमें आपको राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के महल और राजस्थान में जो स्मारक है दोस्तों, यहाँ पर उनमें से आप 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अब तक टोटल हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यानी कि राजस्थान के त्यौहार हमने कंप्लीट कर ली, वेशभूषा आभूषण, लोक देवी लोक देवता एवं संत हमने कंप्लीट, नाटक नृत्य लोक संगीत दुर्ग हमने कंप्लीट कर लिए, और आज नौवें नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर ये राजस्थान के महल और स्मारक दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो कि स्थापित कला के बेजोड़ नमूने है दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपके अपने YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आज का हम आपके सिलेबस में देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है या नहीं दे रखा है। ये आपका रीट का सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान की कला एवं संस्कृति का है दोस्तों। यहाँ पर ये रहे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के दुर्ग, महल एवं स्मारक दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आज हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मंदिर स्टार्ट किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर, इसमें 50 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। तो 50 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं अगर एग्जाम क्रैक करनी है, एग्जाम पेपर तोड़ना है दोस्तों यहाँ पर, और आपको आगे निकलना है दोस्तों यहाँ पर, फाइट करनी है, सिलेक्शन पाना है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जारी किया है दोस्तों यहाँ पर। सिलेबस में आपके में एक चीज महत्वपूर्ण दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा ये दे रखी है, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ एवं सेक्शन 2019-20 की प्रचलित पाठ पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं तक की पाठ पुस्तकों से होगा दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, यह भी पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहां पर, बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहां पर, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रताप सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर 1799 में। और दोस्तों यहाँ पर जो हवा महल है ये 5 मंजिला इमारत है दोस्तों यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकृति जैसा है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण महल पूछे तो हवा महल आपको याद रख लेना है। इसमें जो टोटल खिड़कियां है वो 953 खिड़कियों बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसमें पत्थर की जालियों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखावाटिका हवा महल किसे कहा जाता है, बताइएगा। ये शेखावाटिका हवा महल आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा अनूप महल को या फिर सुख महल को या फिर बादल महल को या फिर खेतड़ी महल को। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, खेतड़ी महल को कहा जाता है। और ये खेतड़ी महल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, बताइएगा। ये करवाया था भोपाल सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1700, वैसे तो 1700 यानी कि 70 में करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो प्रताप सिंह है जयपुर का शासक था, यानी कि इससे ही, यानी कि इसको देख कर ही हवा महल जयपुर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और शेखावाटी के जो शेखावाटी का जो महल है दोस्तों यहाँ पर, हवा महल है, इसका एक महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस महत्वपूर्ण पहचान है कि इसमें लकड़ी के दरवाजों, लकड़ी के खिड़कियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए कहा जाता है, यानी कि देखिएगा झुंझुनू जिले की सबसे यानी कि ऐतिहासिक इमारत है दोस्तों यहाँ पर, ये शेखावाटी का हवा महल है दोस्तों यहाँ पर, भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जग निवास महल तथा जग मंदिर महल किस झील के किनारे पर स्थित है, राजसमंद झील पर, जयसमंद झील पर, पिछोला झील पर या फिर फतेह सागर झील पर।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पिछोला झील पर स्थित है। देखिएगा जो जग निवास महल है दोस्तों यहाँ पर इसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर जगत सिंह ने करवाया था। कब करवाया था यानी कि इसका निर्माण 1646 में करवाया था दोस्तों यहाँ पर जगत सिंह ने। और जग मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर वो भी इसी ने जगत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर यानी कि जग मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करण सिंह ने तो प्रारंभ करवाया था। सॉरी दोस्तों यहाँ पर जग निवास का करण सिंह हाँ इसका जग मंदिर का करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था और इसका पूरा करवाया था जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर यानी कि 1651 में इसका कार्य पूरा कर दिया है। तो अगर पूछे कि दोनों का निर्माण किसके शासनकाल में यानी कि पूरा हुआ था तो ये जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और ये जगत सिंह कौन था, ये जगत सिंह था दोस्तों यहाँ पर करण सिंह का पुत्र था। और ये करण सिंह कौन था, वो अमर सिंह का पुत्र था। और ये अमर सिंह कौन था दोस्तों यहाँ पर, ये अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। और महाराणा प्रताप कौन था, महाराणा प्रताप आपको पता है दोस्तों यहाँ पर उदय सिंह का पुत्र था। उदय सिंह कौन था, उदय सिंह आपको पता है राणा सांगा का पुत्र था। राणा सांगा कौन था, जयमल का यहाँ पर उदा के बाद जयमल का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा और जयमल कौन था, ये जयमल और उदा कौन थे, ये कुंभा के पुत्र थे दोस्तों यहाँ पर। कुंभा किसका पुत्र था, कुंभा मोकल का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। मोकल किसका पुत्र था, मोकल आपको पता है दोस्तों यहाँ पर यानी कि राणा लाखा का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा वो मैं आपको इतिहास में बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीजें आपको, लेकिन आपको ये रट लेनी है पिछोला झील के किनारे पर राजमहल बने हुए दोस्तों यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास सबश्रेष्ठ महल है दोस्तों यहाँ पर उदयपुर में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रसिद्ध मोती डूंगरी के महल किस जिले में स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में या फिर अलवर में। तो मोती डूंगरी के महल हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर जयपुर में। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, माधो सिंह सेकंड है मोती महलों का, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर दीजिएगा, बारडोली में है, चावड़ में है, जालौर में है या फिर मंडौर में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बारडोली में है, उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर। महाराणा प्रताप की छतरी है उदयपुर में, बारडोली में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से देवी कुंड की छतरिया किस जिले में स्थित है, बताइएगा कहां पर बनी हुई है देवी कुंड की छतरिया, ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर बूंदी में। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर में स्थित है। और देखिए किलान मल से लेकर दोस्तों यहाँ पर डूंगर सिंह तक की जो छतरिया बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर वो सभी छतरिया यानी कि यहाँ पर बनी हुई है देवी कुंड में बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। और देवी कुंड की जो छतरिया है वो प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ पर, इसमें से किलान मल की छतरी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि जो सबसे अच्छी जो छतरी है वो किलान मल की छतरी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पर, उम्मेद पैलेस स्थित है, उम्मेद पैलेस कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों यहाँ पर उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद जो पैलेस है दोस्तों यहां पर ये जोधपुर में स्थित आ जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। यानी कि इसका निर्माण करवाया था 1929 में करवाया था दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकाल राहत कार्यक्रम के दौरान इसका कार्य प्रारंभ किया गया था दोस्तों यहां पर जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि केसरबाग की छतरियां स्थित है कहाँ पर है, ये केसरबाग की छतरियां बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से, केसरबाग की छतरियां, छात्र विलास की छतरियां दोस्तों यहाँ पर ये आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर केसरबाग की जो छतरियां हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि ऑप्शन बूंदी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बूंदी में जो छतरियां हैं दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि यहाँ पर नाथू सिंह की छतरियां एक फेमस है दोस्तों यहाँ पर, 84 खंभों की छतरियां यहाँ पर बहुत बहुत फेमस है, और एक धवाई की छतरियां, ये तीनों छतरियां आपको रट लेनी है दोस्तों यहाँ पर, याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहां पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर में, रणथंभौर में, बूंदी में या फिर भीलवाड़ा में। तो 84 खंभों की छतरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 80 खंभों की छतरी स्थित है कहां पर है, उदयपुर में या फिर झुंझुनू में या फिर सीकर में या फिर अलवर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 39 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंटों ने ये वीडियो पूरा कंप्लीटली देखा है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा 32 खंभों की छतरी स्थित है, देखिएगा रणथंभौर में, भीलवाड़ा में या फिर उदयपुर में या फिर जोधपुर में।
दोस्तों ये स्मारक है और 100% यहाँ से एक महत्वपूर्ण स्मारक आपके एग्जाम में आने के चांस बन रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो कंप्लीट कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, रणथंभौर में है दोस्तों यहाँ पर, और रणथंभौर में ये 32 खंभों की छतरी किसकी है, ये हमीर के पिता की है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमीर के पिता की छतरी है, इसका निर्माण हमीर ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर 32 खंभों की छतरी। जब कभी आप रणथंभौर गए होंगे तो पहले आप रणथंभौर में छंडते ही ऊपर जाते समय दोस्तों यहाँ पर यानी कि एक यानी कि यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 32 खंभे बने हुए हैं, उस छतरी के नीचे दोस्तों यहाँ पर एक गर्भगृह बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कुछ मंदिर वगैरह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, पहचानिए, बादल महल, जैसलमेर सिटी पैलेस, जयपुर शीश महल आमेर, या फिर जग निवास महल राजसमंद। तो दीजिए इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जग निवास महल दोस्तों यहाँ पर, जग निवास महल ये उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे पर है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सूरत सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, इसके पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था और ये लाल पत्थरों से निर्मित है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेटोरू की छतरी स्थित है कहां पर है, ये गेटोरू की छतरी जयपुर में, जोधपुर में, आमेर में, या फिर अजमेर में। तो गेटोरू की छतरी हो जाएगी जयपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जयपुर राज्य का शमशान घाट है दोस्तों यहाँ पर, गेटोरू की छतरी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर, जितने भी राजा हुए थे यानी कि कछुआ वंश में उनकी अधिकतर जो छतरियां बनी हुई है वो गेटोर में बनी है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी की छतरी स्थित है कहां पर है, रूठी रानी की छतरी जैसलमेर में, जोधपुर में, अजमेर में, या फिर जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ये रूठी रानी कौन थी, ये रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है, बताएगा सरडा रानी की बाबड़ी को, या फिर रानी जी की बाबड़ी को, या फिर बाटूडा का कुआं बाड़मेर को, या फिर महिला बाग झालरा जोधपुर को। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बाटूडा का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिएगा एक और जलमहल आपको पता है जयपुर में भी है, अलवर में भी है दोस्तों यहाँ पर, जलमहल यानी कि जल में बने हुए दोस्तों यहाँ पर, और जयपुर के जलमहल का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में, या फिर सिवाना दुर्ग में, या फिर जालौर दुर्ग में। तो इसका कंप्लीटली है दोस्तों यहाँ पर बताएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो वीडियो नंबर है वो 78वां वीडियो, इससे पहले यहाँ पर यानी कि 88वां वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, ये 88वें नंबर का वीडियो है, इससे पहले हमने 87 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, रिट वालों के लिए जो कि यहाँ पर NCERT RVSE जो कोर्स पर आधारित प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी रिट में आने की संभावना सबसे अधिक बन रही है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर प्रेस बैंक पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर, सभी क्वेश्चन अगर आप 100% याद कर लोगे दोस्तों यहाँ पर, तो मैं आपको SST में यानी कि कंप्लीट विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप 50+ तो करके ही आएंगे दोस्तों यहाँ पर। अभी आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको SST कंप्लीट करनी है, सामाजिक अध्ययन आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज सभी वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और मैं आपको यानी कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट के दोस्तों यहाँ पर, आपके एग्जाम को देखते हुए मैं सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर, PDF के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना PDF मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमेर के किले एवं महलों का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा, जय सिंह ने, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने, या फिर भगवान सिंह ने, या फिर मानी सिंह ने। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानी सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, कब करवाया था, ये सन भी पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, ये 1592 में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, आमेर के महलों का निर्माण मानी सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेड़ा की छतरी स्थित है कहाँ पर है, ये नेड़ा की छतरी ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, बताएगा, तो दोस्तों नेड़ा की जो छतरी है वो अलवर में है, जी हाँ दोस्तों नेड़ा की छतरी अलवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, और ये मीठे शाह की जो दरगाह है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन में ये क्वेश्चन बनता है, मीठे शाह की दरगाह
किस दुर्ग से संबंधित है, मीठे शाह की दरगाह किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी, मीठे शाह की दरगाह किस जिले में स्थित है, ये तीन चार क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गागरौन दुर्ग झालावाड़ में स्थित हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लालगढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया था, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, सॉरी लोहागढ़ का, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, लोहागढ़ का, जी हाँ दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने कब करवाया था। और राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, इस दुर्ग के चारों तरफ सुजान गंगा बहती है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1733 में इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर भरतपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सी सदी में करवाया था, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है बताएगा, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में करवाया था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। इसने देखिएगा तीन महत्वपूर्ण यानी कि स्थापित कला के बेजोड़ नमूनों का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण इसी ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो कुंभलगढ़ है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा दोस्तों यहाँ पर, कुंभलगढ़ से और कुंभा से संबंधित दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में करवाया था दोस्तों यहाँ पर इसका निर्माण। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, अगर आप आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा थ्योरी रूप पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, तो आरबीएससी की बुक पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा यानी कि अगर आपको मेवाड़ में एक तो महाराणा प्रताप पर ज्यादा फोकस रखना है, एक महाराणा कुंभा पर ज्यादा फोकस रखना है दोस्तों यहाँ पर, और महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह अगर मेवाड़ पढ़ना है दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि एग्जामिनर जो यहाँ पर सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो शिक्षण से संबंधित जो एग्जाम है, इनमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए, बताएगा इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा सोनार का किला आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैसलमेर के किले को कहा जाता है सोनार के किले को, तो जैसल देव ने करवाया था इसका निर्माण, जैसल सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर 1155 में। अगला देखिएगा यानी कि लोहागढ़ का निर्माण मैंने आपको बताया सूरजमल जाट ने करवाया था यानी कि 1733 में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जयगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर 1700 में, ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बटनेर का जो निर्माण करवाया था वो भूपत भाटी ने 288 में करवाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 30वीं सदी में करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जयगढ़ का किला 1700 में निर्मित नहीं किया गया था, बल्कि 1600 में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर जय सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, विजय स्तंभ कितनी मंजिलों का है, बताइएगा 4 मंजिलों का 6 मंजिलों का या फिर 8 मंजिलों का या फिर 9 मंजिलों का, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने करवाया था, महाराणा रतन सिंह, महाराणा सांगा या फिर महाराणा कुंभा या फिर गोहिलों ने, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा जो गोहिल है दोस्तों यहाँ पर, ये गोहिल है यानी कि इसका जो अंतिम शासक था वो रतन सिंह था दोस्तों यहाँ पर, कन्फ्यूज मत होना, और ये कुंभा है वो यहाँ पर रावल वंश का है दोस्तों यहाँ पर, ये कुंभा है तो रावल वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग कि विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, जो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ बनाया था कुंभा ने, उसका वास्तुकार कौन था, मंडन था या फिर जेता था या फिर जीवा था या फिर देवा दीपा था, तो इसका सही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेता हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये मंडन किसका वास्तुकार था दोस्तों यहाँ पर, ये था कुंभलगढ़ दुर्ग का था दोस्तों यहाँ पर, मंडन हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है, दोस्तों अगर बादल महल आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बादल महल राजस्थान में 5 बादल महल बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बादल महल बना हुआ है यानी कि कुंभलगढ़ में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, कुंभलगढ़ में बादल महल बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों यहाँ पर ये। और देखिएगा एक बादल महल आपको पता है जैसलमेर में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, एक बादल महल, और ये सबसे ऊंचा बादल महल है कौन सा, जैसलमेर का दोस्तों यहाँ पर। एक बादल महल डूंगरपुर में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। एक बादल महल चित्तौड़गढ़ में भी है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और एक बादल महल नागौर में भी बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और एक बादल महल बीकानेर में भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना। यानी कि बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, कुंभल में ये बादल महल बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, बताएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि मामा देव तालाब निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, बताएगा
कुंभलगढ़ दुर्ग में, या फिर रणथंबोर दुर्ग में, या फिर चित्तौड़ दुर्ग में, या फिर तारागढ़ दुर्ग में। तो इसका सही है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगा, देवताल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसी देवताल के समीप दोस्तों यहाँ पर ऊदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी दोस्तों, यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इसी देवताला के पास दोस्तों यहाँ पर ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर ही ऊपर दोस्तों यहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग है दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर कुंभा का निवास स्थान था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुपारी महल किस परिसर में स्थित है, बताना है आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, या फिर रणथंबोर दुर्ग में। सुपारी महल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुपारी महल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगार महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, बताइएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, भैसूरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, सॉरी ये भैसूरगढ़ चित्तौड़गढ़ में, या फिर नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है दोस्तों यहाँ पर। कौन सा यानी कि ये सिंगार महल है दोस्तों यहाँ पर। सिंगार महल का यानी कि बनाने का जो प्रमुख कारण था उनका क्या था, यहाँ पर जो भी शासक हुआ था वो यहाँ पर अपना यहाँ पर राज अभिषेक करवाता था दोस्तों, यहाँ पर सिंगार चौकी बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर इस महल में। तो यहाँ पर वो राज तिलक का ये महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था, और 12 दरी क्या है दोस्तों यहाँ पर, ये आनासागर झील में। तो 12 दरवाजों का निर्माण है दोस्तों यहाँ पर, जो कि किसने करवाया था इसका बताएगा। आनासागर झील पर आप गए होंगे तो उसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शाहजहां ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण करवाया था, बताएगा शाहजहां ने, अकबर ने, या फिर अजयपाल चौहान ने, या फिर जहांगीर ने। और इस जो दौलत बाग है दोस्तों यहाँ पर, इसको सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में निम्न में से कौन सा महल नहीं है, बताएगा कोटी कहास महल, या फिर महल खास, या फिर बादल महल, या फिर किशोरी महल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था बादल महल के बारे में बताया था, तो करेक्ट आंसर है आपका बादल महल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपको पता है यानी कि लोहागढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, बल्कि कुंभलगढ़ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर हवा महल जयपुर को, या फिर बाटूदा कुआं बाड़मेर को, या फिर जसवंत थड़ा जोधपुर को, या फिर काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोती महल, फूल महल, शीस महल निम्न में से किस जिले में स्थित है, दोस्तों देखिएगा मोती महल आपको याद हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा फूल महल आपको याद हो जाएगा, शीस महल आपको याद हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, भटनीर किला हनुमानगढ़ में, कुंभलगढ़ में, या फिर रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक शीस महल आमेर में भी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सेकावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, बताएगा नवलगढ़ को, या फिर किशनगढ़ को, या फिर लक्ष्मणगढ़ को, या फिर रामगढ़ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, नवलगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि झुंझुनू में है ये नवलगढ़। और ध्यान रखना ये नवलगढ़ क्यों फेमस है, ये भित्ति चित्र की जो हवेलियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर, उनके लिए फेमस है नवलगढ़ की हवेलियाँ दोस्तों यहाँ पर। सोने की नक्काशी की जाती थी दोस्तों यहाँ पर इन हवेलियों पर, यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा 1906 में किया गया था, जसवंत सिंह ने करवाया था, जगत सिंह ने करवाया था, सरदार सिंह ने करवाया था, या फिर मान सिंह ने करवाया था। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, जसवंत सिंह की याद में करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थड़ा है ये ध्यान रख लेना, थड़ा है यानी कि ठड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है, भरतपुर में, करौली में, या फिर सवाई माधोपुर में, या फिर धौलपुर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह की छतरी हो जाएगी, करौली जिले में है दोस्तों यहाँ पर। ये गोपाल सिंह कौन था, ये करौली जिले का शासक था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपको पता है जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ों का अभियान चलाया था दोस्तों यहाँ पर, जो मथुरा में दोस्तों यहाँ पर मूर्ति तोड़ी जा रही थी, तो वहाँ पर ये पहुँचा था दोस्तों यहाँ पर युद्ध करने के लिए, तो वहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हो गया था दोस्तों यहाँ पर। करौली में इसकी गोपाल सिंह की छतरी का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभा महल, गौरा महल, यहाँ पर फतेह महल, प्रकाश महल
किस जिले में स्थित है, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर जोधपुर में, या फिर अजमेर में, तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, देखिएगा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, सफदर जंग जो मीनार है वो अलवर में, एक थम्मा महल भरतपुर में, तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये जो एक थम्मा महल है ये जोधपुर में है दोस्तों, यहाँ पर डूंगरपुर में है दोस्तों, यहाँ पर एक थम्मा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बताएगा मान सिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा, माधो सिंह के द्वारा, या फिर सवाई जय सिंह के द्वारा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुबारक महल का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था माधो सिंह के शासनकाल में करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर। और ये क्यों करवाया था, यानी कि जो भी मेहमान आते थे वो इसी मुबारक महल में आते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जयपुर में बना हुआ है मुबारक महल, सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हवा महल का वास्तुकार कौन था, बताएगा मंडन जेता, लालचंद उस्ताद, या फिर विद्याधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालचंद, लालचंद वास्तुकार, डिजाइन इसी ने तैयार की थी हवा महल की, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ किले में, तारागढ़ किले में, सोनार के किले में, या फिर भटनेर के किले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि मेहरानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण कब करवाया था, 1520 में, 1392 में, 1592 में, या फिर 1423 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1592 में इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर विलास महल कहाँ पर है, बताएगा जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या फिर डूंगरपुर में, जवाहर विलास। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका जैसलमेर में है दोस्तों यहाँ पर, जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जैसलमेर के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, सभी स्टूडेंटों को इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन किस जिले में स्थित है, ऑप्शन आपके सामने उदयपुर, जोधपुर, कोटा, या फिर बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चेतक की छतरी स्थित है, बताएगा चेतक की छतरी कहां स्थित है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक था उसकी छतरी कहां पर है, ऑप्शन आपके सामने है हल्दीघाटी राजसमंद। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हल्दीघाटी राजसमंद में है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागा की छतरी कहां स्थित है, कागा की छतरी बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कागा की जो छतरी है वो बिल्कुल राइट है, जोधपुर में स्थित है, कागा की छतरी है दोस्तों यहां पर जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है, देखिएगा मैंने आपको बताया 32 खंभों की, 80 खंभों की, 84 खंभों की, और यहां पर 16 खंभों की, तो बताइएगा कहां पर है ये अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित हो जाएगी ये दोस्तों यहाँ पर। ये अमर सिंह कौन था, ये अमर सिंह आपको पता है नागौर का राजा था दोस्तों यहाँ पर, बीकानेर और नागौर के राजा में मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पर, वो मैं आपको इतिहास में बताऊंगा जब हम इतिहास की तरफ चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बिजोलाई के महल स्थित है, कहाँ पर है ये बिजोलाई के महल, तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयलायना झील जोधपुर में, या फिर अहाड़ उदयपुर में, या फिर काकरौली राजसमंद में, या फिर पिछोला झील उदयपुर में। तो ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलाई के जो महल है वो कोलायना यानी कि जोधपुर में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर राजस्थान के महल और स्मारक जो कि राजस्थान RVSE के प्रेस मैक में सम्मिलित थे दोस्तों यहाँ पर, वो मैंने आपको कंप्लीट कराया है दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जो अगला वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, वो राजस्थान के मंदिर मस्जिद होंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि स्थापित कला से संबंधित होंगे दोस्तों यहाँ पर। और आप बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। तो देखिएगा यानी कि राजस्थान के मंदिर आपके कल कंप्लीट में करवा दूंगा, चित्रकला मैं आपको परसों कंप्लीट करवा दूंगा, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, साहित्य ये दोनों मैं आपको एक वीडियो में मिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की भाषा बोलियां भी, राजस्थान का साहित्य, और राजस्थान के विर्मुख वाद्य यंत्र, यानी कि ये 14 कॉन्सेप्ट आपको 5 दिन में मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो इस तरह से आपको राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी,
राजस्थान रिट एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की सभ्यताएं हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पार्टों में हम डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के इतिहास को दोस्तों यहाँ पर। प्रथम पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर पार्ट में, फिर 1857 क्रांति, फिर प्रजामंडल, फिर जनजाति आंदोलन, फिर एकीकरण, फिर राज्य व्यवस्था दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से राजस्थान जीके इस तरह से कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर। ऐसे कंप्लीट नहीं होगा कि एक बार आपने कुछ कॉन्सेप्ट एक दिन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक अगर जिस दिन आपको पढ़ना है वो दिन कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा दोस्तों यहाँ पर। आपकी एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द अपडेट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की जो बैठक है बहुत जल्द राजस्थान की एग्जामों को लेकर एक बैठक करने वाली है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें रिट की एग्जाम से संबंधित ही कुछ अपडेट न्यूज आ सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो राजस्थान के मंदिर और मस्जिद स्टार्ट होगा। धन्यवाद।